हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हरिद्वार उत्तराखंड से पंजाब के अमृतसर तक चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। ये हफ्ते में 6 दिन चलती है, बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को छोड़ के बाकी सारे दिन चलती है। अगर हम बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है हरिद्वार से रुड़की, सहारनपुर, अम्बाला, कैंट, लुधियाना, जलंधर होती हुई अमृतसर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो इसका ट्रेन नंबर जो है वो है 120/53 और ये जो ट्रेन है 7 घंटे 20 मिनट में अपनी जर्नी जो है कंप्लीट करती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं और 407 किलोमीटर के करीब जो है ये डिस्टेंस कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर और ये जन शताब्दी टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है हरिद्वार से हफ्ते के 6 दिन चलती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, थर्सडे को नहीं चलती, बाकी सारे दिन ये चलती है हरिद्वार से अमृतसर के बीच में। अगर हम बात करें इसके जन शताब्दी एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें एसी चेयर कार और सेकंड सीटिंग के कोच है। मैं जो अभी आपको किराया बताऊंगा वो हरिद्वार से अमृतसर तक का जन शताब्दी एक्सप्रेस का किराया बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। एसी चेयर कार का जो किराया वो है 620 रुपये, सेकेंड सीटिंग का जो किराया वो है 185 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि हरिद्वार से लेकर अमृतसर तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है हरिद्वार से हफ्ते में 6 दिन चलती है और ये जो ट्रेन है हरिद्वार से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर के 2:45 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है रुड़की। रुड़की में ये 3:26 पर दोपहर को पहुंचती है और 3:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन में पहुँचती है 4:25 पर और 4:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है यमुनानगर जगाधरी स्टेशन में पहुंचती है 4:46 पर और 4:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अम्बाला कैंट जंक्शन में पहुंचती है 5:41 पर और 5:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 9 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सरहंद जंक्शन में पहुँचती है 6:31 पर शाम को और 6:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो लुधियाना जंक्शन में पहुँचती है 7:30 पर और 7:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फगवाड़ा जंक्शन में पहुँचती है 8:06 पर और 8:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन में पहुँचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 8:35 पर पहुँचती है और 8:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ब्यास जंक्शन में पहुँचती है 9:12 पर और 9:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और ये जो स्टेशन है इस ट्रेन का 2nd लास्ट स्टेशन है। उसके बाद हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है 10:05 पे और अपनी 407 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।